लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और इस चैनल के माध्यम से देखेंगे कि बिहार दरोगा जो एग्जाम है, मात्र 5 दिन आपके पास समय है, इस समय का कैसे आप सदुपयोग कर सकते हैं और अपना रिजल्ट 100% क्लियर कर सकते हैं। कुछ कुछ टॉपिक पर, महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देकर आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं और मेरे हाथ में ये पेज है, इस पर भी कुछ टॉपिक है जो आपसे बताया जाएगा। दूसरी बात बता दें कि आप किसी के बहकावे में ना आवे, आप जो तैयारी किए हैं उसी को रिवीजन करने में लगे। दूसरे कोई अगल बगल ये हो जाएगा, क्वेश्चन आउट हो जाता है, फलना हो जाता है, चिल्ला, इन सारी चीजों को ध्यान से निकाल दें और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए अच्छा नींद बहुत ही जरूरी है। तो आप अच्छा नींद लें अभी समय में, यदि हो सके तो आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए कोई वीडियो देख लें जिससे आपका इंटरटेनमेंट हो जाए। दूसरी बात बता दें कि आप अभी के समय में क्या केवल रिवीजन करना है, रिवीजन पर मैं क्यों जोड़ दे रहा हूं और कौन कौन पर्सन रिवीजन करना है, आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। सबसे पहले बता दें कि आप अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक का रिवीजन कर लें, यहां से और जो महत्वपूर्ण है उसको आप देख लेंगे, लोकसभा विधानसभा या इन सारी चीजों को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आदि को देख लेंगे, कि वरीयता थोड़ा सा देख लेंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति लोग का जो वरीयता है उन सबको देख लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपसे करेंट अफेयर पर विशेष फोकस करना है, करेंट अफेयर, और करेंट अफेयर कहां से, तो जनवरी से दिसंबर तक आप विशेष देख लेंगे विशेष रूप से। तीसरी बात बता दें, आपको आधुनिक भारत देखना है, आधुनिक भारत को अच्छा से देखना है, 1885 से लेकर 1947 यानी स्वतंत्रता के बाद 1950 तक देखेंगे, गांधी युग को देखेंगे। और आपसे बता दें गांधी युग को थोड़ा सा अच्छा से देख लेंगे और उसमें जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ है उसको भी अच्छा से देख लेंगे, गवर्नर को थोड़ा सा देख लेंगे, गवर्नर जनरल को देख लेंगे, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम वायसराय, इन सारी चीजों को आप लोग देख लेंगे। भारत में प्रथम विविध पर विशेष फोकस करें, विविध पर आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि अभी आपको कुछ नया रिवीजन याद नहीं करना है, केवल रिवीजन करना है। दूसरी बात बता दें, यहां पे लिखे हुए 30 से 35 सेट आपको लगाना है, सेट लगाना नहीं है, उसको रिवीजन कर लेना है, जो आप प्रीवियस ईयर सेट लगा चुके हैं सबका नहीं, किसी भी एग्जाम का यदि प्रीवियस ईयर है उसमें जीएस पूछा जाता है तो उस आप सेट को निकालिए और उस सेट को अच्छा से एक बार रिवीजन कर लीजिए, सेट बनाइए नहीं, उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसमें जो आप फंसे हुए हैं, शायद आप यदि स्मार्ट वर्क किए तो उसको गोला किए होइएगा या स्टार लगाया होइएगा या नीचे अंडरलाइन किए होइएगा, उन सबको अभी याद करने का समय है, न कि किसी दूसरा नया आपको पढ़ने का समय है। जहां आप अंडरलाइन किए हैं या जहां पे स्टार लगाए हैं या जहां पे गोल घेर दिए हैं उन सब चीज को रिविजन कर लें, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आपका दरोगा बनने से कोई आपको नहीं रोकेगा। पीटी का रिजल्ट, इस मुहिम से आप चल रहे हैं, ये अंतिम संकल्प पत्र है, ये अंतिम संकल्प पत्र है, आप इसे जरूर देखें और ये अमल करके आप रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं, मेरा 100% दावा है। दूसरी बात देखिए, नींद पूरा लें, नींद में कोई कोताही ना करें, नींद नहीं लीजिएगा आप जो याद किए हैं वो भूलते जाइएगा, टेंशन बढ़ेगा, प्रेशर होगा, किसी के बहकाव में ना जाए। अब मार्केट में बहुत लोग इधर के उधर की बात करेंगे, ये हो जाएगा, मेरा ये आ रहा है, मेरा वो आ रहा है, ये सब चीज पर ध्यान नहीं दे, आप जो पढ़े हैं उसको जितना रिवीजन हो जाए उस पर समय दे। किसी का यदि हो सके तो मोबाइल थोड़ा सा कुछ समय के लिए ऑफ कर दे, अपने से अलग रखें, जब आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लेते हैं तब मोबाइल खोलिए और कुछ 5 मिनट 7 मिनट चलाकर देख के फिर उसको ऑफ कीजिए, फिर पढ़िए, बस अभी आपका रिवीजन में मेन फोकस होना चाहिए। दूसरी बात ये बता चुके हैं लोगों पर ध्यान, देश मुद्रा और राजधानी से प्रश्न आता है, अभ्यारण से प्रश्न आएगा उस पर देंगे, करेंट पर विशेष फोकस करना है, चूंकि आपका रिजल्ट करेंट पर निर्भर है, अभी करेंट और आधुनिक भारत पर विशेष ध्यान देना है, नदी घाटी पर विशेष ध्यान देना है, नदी को एक बार रिवीजन कर लीजिए, सहायक नदी कौन है, लोक नृत्य को रिवीजन कर लीजिए और जनजाति लोग जो है किस किस राज्य में कौन कौन जनजाति पाए जाते हैं उसको रिवीजन कर ले। और दूसरा बात बता दें, नीतीश कुमार को जो जो उपाधि मिला है उसको देख लें, उपाधि का अर्थ हुआ कि पुरस्कार, और नीतीश कुमार का यात्रा थोड़ा सा देख लेंगे, यात्रा का अर्थ हुआ कि कौन कौन योजना शुरू की है, 7 निश्चय से प्रश्न जरूर रहेगा,
और बात बता दें आपसे, 7 निश्चय से प्रश्न रहेगा। नल जल योजना पर थोड़ा सा देख लें, जो भी बिहार में योजना चल रहा है उस पर थोड़ा सा आप विशेषकर ध्यान देंगे। दूसरी बात बता दें, आप ज्योग्राफी में भारत के ज्योग्राफी पर विशेष ध्यान देंगे। पॉलिटी में आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, अनुच्छेद केवल 1 से 50 तक कंठस्थ होना चाहिए, और जो VVI है बहुत बार बताया जा चुका है, उस सारी चीजों को थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। करेंट अफेयर जनवरी से दिसंबर तक ही पढ़ना है, उससे आगे आपको नहीं पढ़ना है, और विशेष बिहार से जो रिलेटेड है, बिहार से को रिलेटेड है, उस पर विशेष फोकस करना है। आधुनिक भारत पर विशेष फोकस करना है, विविध पर विशेष ध्यान देना है। विविध में थोड़ा सा देख लेंगे, जो भी निधन बिहार से जुड़ा हुआ किसी का हुआ है करंट में, उसको भी अच्छा से देख लेंगे। बिहार के GI टैग के बारे में भी आप देख लेंगे। बिहार में जो योजना नीतीश कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है उस पर भी विशेष फोकस करेंगे, और अच्छा तरीका से नींद लेंगे, यानी एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए नींद बहुत जरूरी है। आप नींद बेहतर लें, ये नहीं कि पढ़ने के जुनून में आप नींद को कम कर दें, इससे समस्या हो जाएगा। आप 10 प्रश्न याद कीजिएगा, 10 प्रश्न रिवीजन कीजिएगा, 5 ही के बराबर मिलेगा। नींद यदि अच्छा लेते हैं, आप स्वस्थ होकर पढ़ते हैं, एक स्मार्ट वर्क करते हैं, तो ये आपका कहीं 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटा पढ़ने से बेटर है कि 7 ही 8 घंटा पढ़ें, लेकिन अच्छा तरीका से पढ़ें, और पढ़ाई के समय थोड़ा सा मोबाइल अलग रखें। और यदि आपसे कोई कुछ कह रहा है कि ये होगा वो हो जाएगा, इतना आज प्रश्न है, कुछ नहीं, लूसेंट उठाइए, अभी के समय में करेंट उठाइए और आप रिवीजन कीजिए, और इस पर विशेष फोकस करना है। प्रीवियस ईयर का यदि हो सके, प्रीवियस ईयर का यदि हो सके, तो आप 30 से 35 सेट जो आप लगाए हैं उसको जरूर रिवीजन कर लें। और आपसे बता दें, यदि आप नहीं काम कर रहे हैं तो आप पछताइएगा। नया पढ़ने के लिए आप बेताब मत होइए, नया पढ़ने के लिए बेचैन मत होइए, नया चीज याद करने के लिए आप बेचैन मत होइए। बंधु, आप जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए, ये आपके हाथ में होगा, उससे आपका रिजल्ट भी होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और आप अभी यदि 55 बनाने वाले हैं तो 70 तक पहुंच सकते हैं रिवीजन के माध्यम से। यदि आप 60 बना रहे हैं तो 75 तक पहुंच सकते हैं रिवीजन के माध्यम से। अभी आपके पास समय है, और किसी के बहकावे में नहीं आइए, उलूल जुलूल के बातों पर नहीं आइए, क्वेश्चन आउट होगा, फलना होगा, चिलना होगा, इन सब चीज से ध्यान से निकालिए और अपने रिवीजन पर संपूर्ण समय दीजिए। दूसरी बात बता दे, आउट होगा तो कैंसिल होगा, उसके लिए आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। वर्तमान जो समय है आपका, जो लक्ष्य होना चाहिए वो रिवीजन का लक्ष्य होना चाहिए, और रिवीजन में भी इन सारी चीजों को बहुत सारा वीडियो डाला गया है, आप देख सकते हैं कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, उसमें आप थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं आप भी अपना। लेकिन एक बात बता दें, ये रामबाण साबित होगा। 30 से 35 सेट यदि आप प्रीवियस का रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।